राहुल, आप बताइए कि अगर कोई भी स्टूडेंट आ रहे हैं, नया स्टूडेंट, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको तो जयपुर स्टेशन आना पड़ेगा या अजमेर स्टेशन आना हाँ पड़ेगा, ठीक है? तो अगर कोई भी जयपुर से आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो कैसे आए जयपुर स्टेशन के बाद से बताइएगा, ठीक है? जयपुर तो स्टेशन पहुंचने के बाद गेट नंबर 1, 2, 3 किसी से भी आप बाहर निकल जाओ। वहां से एक फ्लैग लगा हुआ है, उसके पास चले जाना है। वहां से फिर आगे एक गोलंबर दिखेगा, वहां पे जाना है। वहां से सिंधी कैंप के लिए ऑटो मिलेगा आपको। फिर वहां और ऑटो की किराया 10 रुपया भी। अगर कोई भी 10 रुपया से अगर एक पैसा भी ज्यादा मांगे तो उसको एकदम नहीं देना है। ठीक है, मतलब आप बोलना चाहते हैं कि हम जयपुर स्टेशन पहुंचे, उसके बाद बाहर निकल के हम लोग ऑटो पकड़ेंगे और वहां से हाँ, वहां से सिंधी कैंप गोलंबर जाना के है। पास जाना है। बाहर में एक झंडा है वहां हाँ, मतलब से। वही ना, कि मतलब हाँ बाहर निकल के ऑटो पकड़ के हाँ सिंधी कैंप सिंधी कैंप जाना जाना है। है। हाँ पहला बस ये कि स्टैंड है सिंधी सिंधी कैंप कैंप। जाना है, ठीक हाँ है? अब बिल्कुल सिंधी बिल्कुल। कैंप जाने के बाद वहां से बस स्टैंड, वहीं पे बस स्टैंड है ना सिंधी कैंप में ही? हाँ हाँ सिंधी कैंप तो में ही बस स्टैंड है। ओके, तो मतलब फिलहाल क्या हुआ कि हम स्टेशन पहुंच गए, वहां से ऑटो पकड़े और सिंधी कैंप गए, हाँ ठीक है? अब उसके बाद आप बताइए क्या। तो ऑटो वाला आपको सिंधी कैंप छोड़ देगा, डिपो के अंदर चले जाना है। ठीक है। अच्छा राहुल, डिपो क्या है, मतलब कि जहां पे बस होते हैं वहां पे जहाँ पे डिपो? बस हाँ, तो बस मतलब ओवरऑल आप बोल रहे हाँ कि सरकारी जैसे, बस है जहाँ पे। हाँ, जैसे कि सिंधी कैंप पहुंच गए, उसके बाद आपको बस पस जाना है, ठीक है? सिंधी कैंप हाँ में बस स्टैंड है, मतलब हाँ वो बस बस स्टैंड है, सिंधी कैंप सारा बस स्टैंड। बस वहां पे सिंधी कैंप में रहती है, ठीक है? तो हमें जिस बस से जाना है वहां पे तो काउंटर होगा ना, हाँ काउंटर होगा तो पहले टिकट तो वगैरह का। काउंटर से टिकट आप कटाना चाहते हैं तो काउंटर से भी कटवा सकते हैं, नहीं तो बस में भी कट जाते हैं टिकट, अच्छा, बस में भी तो कर कोई देते हैं दिक्कत नहीं। ओवरऑल, तो मतलब सिंधी कैंप से हमें बस मिल जाएगा हाँ सेंट्रल, बांदर सिंद्री आने के लिए। बांदर सिंदरी के लिए, वो बस वाले को ओके, बोलना है बांदर सिंदरी हाँ, जाना क्योंकि है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बांदर सिंदरी हाँ में बांदर है, सिंदरी में है इसीलिए इसलिए। आपको पहले बांदर सिंदरी आना पड़ेगा, ठीक हाँ है? बांदर सिंदरी आना पड़ेगा, तो तो बस ओवरऑल, वाले को बोलना है बांदर सिंदरी हमको जाना हाँ, है। तो आप सिंधी कैंप तो जाइए, उसके बाद बोलिए कि मुझे बांदर सिंदरी जाना है, ठीक हाँ है? बिल्कुल। अब वहां से बस पकड़ के बांदर सिंदरी आइए। अच्छा, बांदर सिंदरी आने के बाद अब बताइए कि अब कोई बांदर सिंदरी पहुंच गया स्टूडेंट, वहां बांदर सिंदरी से यूनिवर्सिटी के तक कैसा है? हाँ बांदर सिंदरी से रोड क्रॉस करके इस साइड आ जाना है। अच्छा, ठीक है। रोड हाँ क्रॉस रोड करके, क्रॉस ओके, करना है, अपोजिट साइड में आ जाना है हमको। ठीक है। फिर वहां पे एक बोर्ड वहां दिखेगा फिर ना, हाँ वहां बोर्ड पे, दिखेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का। ओके ओके, ठीक है। मतलब वहां पे जैसे, हाँ हाँ, जैसे ही हम लोग पहुंच गए बांदर सिंदरी, वहां पे हाँ आपको दिखेगा एक बोर्ड, बोर्ड हाँ के पास आ जाना है, आ वहां से जाना आप ई अगर। रिक्शा, हाँ वहां पे ऐसे तो जनरली ई रिक्शा लगा हुआ रहता है, अगर बाय चांस अगर नहीं लगा हुआ रहे तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में ये नंबर डाल देंगे ई रिक्शा का, आप उस पे कॉल कर लेना, ओके, बहुत वो आ बढ़िया। जाएंगे। अच्छा राहुल, ऐसा भी होता है ना, मतलब देखो, अब बस तो हमेशा नहीं चलता है ना, अब हाँ गवर्नमेंट बस है, तो हम, अब रात में कोई स्टूडेंट पहुंचता है सपोज 9-10 बजे, तो उसको तो बस मिलना मुश्किल हो हाँ जाएगा, मुश्किल है। तो फिर तो ये क्या है, जयपुर से प्राइवेट बसेस भी बहुत सारी चलती है। तो अच्छा आप 200 फीट सिंधी कैंप में अगर नहीं मिले तो आप 200 फीट चले जाना वहां से प्राइवेट बसेस। अगर बाय द चांस अगर सिंधी कैंप से बस नहीं मिलता है तो 200 फीट एक जगह का नाम है, वहां से प्राइवेट बसेस चलती है, तो आप लोग वहां चले जाइएगा, वहां से बसेस मिल जाएगा। ठीक है। चलो, हाँ, और रात में आने का ऐसा है, अगर आप 9 बजे तक पहुंच जाते हैं, 9 या 10 बजे तक, तो आपको ई रिक्शा मिल जाएगा बांदर सिंदरी से। ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर आप आते हैं तो आपको 2 किलोमीटर पैदल ही चलकर आना होगा। ओके ओके, तो रात में भी आप लोग का एंट्री है कैंपस में, तो आप रात में भी आ सकते हैं, लेकिन वही है अपना रिस्क पे आना पड़ेगा, 2 किलोमीटर पैदल चल के आना। तो गाइस, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बता दिया गया है कि आफ्टर जयपुर कैसे आना है, ठीक है? तो आप लोग फॉलो कर लो एंड चलो लाइक सब्सक्राइब।